अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनलीप्स व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। और ईद मुबारक जी सबको मेरी तरफ से। सुबह सुबह का टाइम है और ये देखें जी, ये ईद मुबारक कहते हैं बिस्मा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये जी दूसरी भी आ गई जी। और ये देखें इनके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, दिखाएं, बहुत प्यारा कलर आया। सीधा भी दिखाएं, वाह बहुत प्यारा कलर है। मैंने लगाई हाँ थी जी ये। बिल्कुल बिल्कुल, नाम भी आपका आ गया, अच्छा है ना, नाम का भी कलर आ गया, सही हो गया जी। आप दिखाएं, आप दिखाएं, वाह आपका भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है जी। एचपी लिखा है जरा सा। और चलें जी, ये पाँव भी आ गए हमारे, दूसरा भी दिखाएं। पाँव के बगैर जो है वो नामुकम्मल थी हमारी। ये देखिए साथ में ना चेक होती रही है, नेल पॉलिश भी चेक होती रही है कि अच्छा ये नेल पॉलिश, और ये जी है ये नेल पॉलिश। तो चलते हैं जी, आज देखते हैं जी आज की ईद का दिन कैसे गुजरता है, और रही है हमारे साथ। हाँ जी, सबसे पहले मैंने कहा कि नाश्ते से सब फारिग हो जाएं ताकि फिर आराम आराम से सब तैयार होते रहें और अपने अपने जिसको जो करना है वो करता रहे। तो जी यहाँ पे ये बना है चिकन, क्रीम चिकन मैंने बनाया था, और साथ में ये जो है ये दुपड़े बनाई थी। हम इन्हें दुपड़े कहते हैं, ये मैदे की जो है वो पतली पतली रोटियाँ होती हैं, इनको फिर पहले डबल बनाया जाता है और फिर सिंगल किया जाता है। हमारे यहाँ ईद पर यही बनती हैं, चाहे वो बड़ी ईद हो छोटी हो ईद हो। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। वैसे मैंने इनकी इसको मैंने रमज़ान में भी एक दिन बनाया था, सहरी में, शायद 13 या 14 जो सहरी थी उसमें ये बना था। तो उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और ये जी खीर थी हमारी, हम नाश्ता करते हैं और इसके बाद रहिए मेरे साथ और देखिए क्या क्या किया हम लोगों ने। सूख जाएगा नहीं सूखे गए यार, मेरे बीट इतने मुश्किल लगाए मैंने। बीट बीट नहीं बीट 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 का मैं नहीं बताती हूँ, बीट कहाँ से आए हैं, नहीं मेरे गाउन के ऊपर से उतरे हैं बीट। और मैं कल देख रही हूँ, मैंने कहा ये पता नहीं क्यों बीट्स मुझे ना देखे देखे नजर आ रहे हैं, ये वाले बीट्स, तो ये इसके ऊपर जो बीट्स लगे हुए ना ये वाले, और मैं कह रही हूँ पता नहीं कहाँ से आए हैं ये बीट्स ना। मैंने कहा अच्छा होंगे इन लोगों के पास। अब जब ना मैंने गाउन पहना और देखा, मैंने कहा ये तो इस गाउन के ऊपर से बीट्स उतरे हुए, तो कहते हैं हाँ आपका पुराना हो गया था ना, तो नया थोड़ी था, तो हम लोगों ने उतार के ना इस पे लगा लिए। ये करते हैं ये लोग मेरे साथ, सिंपल ब्लैक नेल्स तो बहुत बुरे लगते हैं ना, तो हमने डिजाइनिंग करना तो था। डिज़ाइनिंग करने के लिए मेरा गाउन वो कर दिया। मजा आता है ना, ये बचपन है ना, हाँ बिल्कुल, अपनी चीज़ें तो नहीं ख़राब होती बचपने में, अपनी मम्मा अपनी की होती है ना, मम्मा की चीज़ें। अपनी अपनी होती है ना, वो दिखाओ दर्द होता है जब दिखाएं, अपनी कोई चीज़ खराब करे। वाह चुड़े लो जैसे ना हो ना, क्या डिज़ाइन बनाया है। अच्छा ये टेढ़ा क्या, तीन सीधे और एक टेढ़ा है कौन सा टेढ़ा है? हाँ ये, ये वाला सीधा है और ये साइड टेढ़े है। अच्छा ये साइड साइड के आए हैं, ठीक 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 वाह, ब्रेसलेट पहन के भी मज़े का लग रहा है। हाँ ये मैंने उसने दिखाया था, ये मज़े का है, दिखाएं जी। यही होती हैं जी बचपन की छोटी छोटी चीज़ें, और मैं इनको तंग कर रही थी, मैंने कहा चुड़ैलें जैसे नाखून है तुम लोगों के, देखो कितने बड़े बड़े लगा लिए लेकिन असल में अच्छे ही लग रहे थे। ये जी हमारी मैडम के जूते, ये चेक करें ले, बस हील चेक कर लें आप। यहाँ पे मैंने अपना नाम भी लिखवाया है यहाँ पे, और लड़के लिखवाते हैं मैं भी लिखवाती हूँ। और मेरे ब्लैक नेल्स, ये अंगूठी और ये हाथ। वाओ ना, ये मेरी जैकेट भी है। इस जैकेट के यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे मोती लगे हुए हैं। और यहाँ जी मेरी फ्रेंड है, उनके बच्चे आ गए थे हमारे घर, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए मिलके, और उन्होंने मिलके कोई पार्टी शार्टी की है, और देखते हैं जी क्या कर रहे हैं ये लोग। पार्टी कर रहे हो, आइसक्रीम आइसक्रीम लेस खा रहे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ही, क्या ईदी खर्च किए तुम लोगों ने? नहीं, हाँ क्या? ये हम है, ये ईद है और ये पार्टी हो रही है।
यहाँ हो गई थी अब शाम, बल्कि शाम भी क्या, बहुत मगरब के बाद का ये टाइम था। तुमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं क्या हो रहा है जी, और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा क्योंकि पूरा दिन बस बच्चे भी घर पे थे तो थोड़ा तंग भी हो गए थे ईद वाले दिन। तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर निकले और मैकडोनल्ड तक का था। तो ये जी हमारा रास्ता, अब हम लोग जा रहे हैं और इतनी प्यारी लाइट्स लगती है ना ये रात को, बहुत खूबसूरत लाइट्स लगती हैं यहाँ पर। ये सामने है ना, चेक करें इस वाले पे नहीं ना, तो ऐसी गुजरी जी हमारी ईद। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।